हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर टेन तक कि विच इंडियन इंटरप्राइज हैज़ द मोटो एनर्जी फॉर एवर तो जिसका ऑप्शन सही था ए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी तो हम उसके आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले दस क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि निजी दीघे ऑप्शन में से एक से ज्यादा जो, जो है रिजोबल एनर्जी रिसोर्सेज हो सकते हैं वहीं पे एक ही रिजूनेबल रिसोर्सेज हो सकता है तो आपको देखना है अगर एक से ज्यादा है तो ऑल ऑफ द वेब जो ऑप्शन है वो चूज करके अगर एक है तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो उसको आप चूज कर लेंगे तो ऑप्शन है ए विंड बी टाइट सी जियो हीट एंड डी ऑल ऑफ द वेब तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द बब ये सभी के सभी जो ऊपर विंड है टाइड है जियोथर्मल हीट है ये सब क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जनरेट ऑल देयर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नीचे दिए गए कंट्री जो हैं उनमें से कौन सी कंट्री है जो कि सारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके ही जनरेट करती है तो ऑप्शन ए है आइसलैंड ऑप्शन बी है इंग्लैंड एंड ऑप्शन सी यू एंड ऑप्शन डी है चाइना तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो आइसलैंड आइसलैंड ऐसी कंट्री है जो कि वो जनरेट करती है ऑल इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ एंड डिसप्लेसिज कन्वेंशनल फ्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ एंड डिसप्लेसिज कन्वेंशनल फ्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया यानी कि जो फॉलोइंग एरिया हैं उनमें किस एरिया में जो है कन्वेंशनल फ्यूल को जो है डिस्प्लेस करती है रिन्यूएबल एनर्जी तो ऑप्शन ए है स्पेस हीटिंग ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एब तो करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द एब यानी कि स्पेस हीटिंग ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये तीनों ही जो है रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ एंड डिसप्लेस कन्वेंशनल फ्यूल इन तीनों में ही जो है रिन्यूएबल एनर्जी डिस्प्लेस करती है क्वेश्चन नंबर फोटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूज किया जाता है फ्यूल एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑप्शन ए है इथेनॉल ऑप्शन बी है एल्डिहाइड ऑप्शन सी है कीटोन ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द यानी कि ऊपर के तीनों ही यूज़ किए जाते हैं एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन तो ऑप्शन इज ए ए इथेनॉल इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टींथ बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल फॉर और फैट यूजिंग जो बायोडीजल है वो प्रोड्यूस किया जाता है ऑयल या फैट यूज करके कौन सा यूजिंग कौन सा प्रोसेस यूज करके फर्मेंटेशन या बी ऑप्शन ट्रांसस्टेरिफिकेशन या फिर सी डिस्टिलेशन या डी नन ऑफ द एवब तो इनमें से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि बायोडीजल जो प्रोड्यूस किया जाता है ऑयल या फैट किस प्रोसेस को यूज करके था ऑप्शन इज ट्रांसस्टेरिफिकेशन इसका यूज करके बायोडीजल जो है प्रोड्यूस किया जाता है ऑयल या फैट यूजिंग क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सोशल सोलर एनर्जी इनटू तो फोटोवोल्टिक सेल जो है वो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी इनटू कौन सी एनर्जी में ठीक सोलर एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोवोल्टिक सेल ए है हीट एनर्जी बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी सी ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी डी ऑप्शन है केमिकल एनर्जी तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी तो जो फोटोवोल्टिक सेल है वो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विंड्स आर स्ट्रॉगर एंड कॉन्सटेंट यानी कि नीचे दिए गए रीजन में कौन से रीजन में विंड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है और कॉन्स्टेंट होता है तो ऑप्शन ए है डिजर्ट में ऑप्शन बी है ऑफ में ऑप्शन सी है लो एट एल्टीट्यूड साइट्स पे या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एब यानी कि सारी जगह पे होता है तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विंड्स आर स्ट्रॉगर जो हवा है वो स्ट्रॉन्ग होती है और कॉन्स्टेंट होती है ऑप्शन इज ऑफ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 है फॉलोइंग कंट्री मेट मोर देन 40 परसेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्रॉम विंड एनर्जी यानी कि नीचे दिए गए कुछ कंट्री हैं ऑप्शन ए है डेनमार्क ऑप्शन बी है पोर्तुगल ऑप्शन सी है आयरलैंड ऑप्शन डी है स्पेन तो आपको इन चारों कंट्री में से बताना है कि कौन सी कंट्री जो कि 40 परसेंट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विंड एनर्जी से जनरेट करती है तो एक तरीके से जीएसका जीके का क्वेश्चन है तो आपने अगर पता है तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है तो ऑप्शन ए है डेनमार्क डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जो कि फोर्टी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो एनर्जी से पूरा करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटीन कंसंट्रेटेड सोलर पावर यानी कि सी सिस्टम यूज क्या यूज़ करता है यहाँ पे फिल करना टू फोकस ए लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट इनटू स्मॉल बीम यानी कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम में आ, कुछ ऐसा यूज़ किया जाता है जिसका यूज़ करके लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट को हम स्मॉल बीम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ऑप्शन ए है लेंसेज ऑप्शन बी है मिररर्स ऑप्शन सी है ट्रैकिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एवब यानी कि ऊपर दिए गए तीनों का यूज़ करके हम जो है लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल बीम में तो कंसनट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ द एब यानी कि लेंसेज का मिरर का ट्रैकिंग सिस्टम का तीनों का यूज करके जो है हम लार्ज जिगापसन लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल बीम में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 द डिफरेंस इन टेंपरेचर बिटवीन द कोर ऑफ द Planet एंड इट्स सरफेस इज नोन एज तो जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर बिटवीन द कोर ऑफ Planet और इट्स सरफेस इज नॉन एज तो किस नाम से जानते हैं जियोथर्मल थर्मल कॉफिशियंट ऑप्शन ए ऑप्शन बी है जियोथर्मल ग्रेडियंट या ऑप्शन सी जियोथर्मल थर्मल कॉन्स्टेंट या फिर डी नन ऑफ द यानी कि ऊपर से तीनों में से किसी भी नाम से नहीं जानते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर बिटवीन द कोर ऑफ द प्लानट एंड इट्स सर्फेस यानी कि प्लानट के कोर और प्लानट के सर्फेस के जो टेम्परेचर होता है उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं करेक्ट ऑप्शन इज जियोथर्मल ग्रेडियंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज यूज फॉर यानी कि जो डायरेक्ट सोलर एनर्जी होता है वो किस लिए यूज होता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर जो है फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन ए है वाटर हीटिंग के लिए ऑप्शन बी है डिस्टिलेशन के लिए ऑप्शन सी है ड्राइंग के लिए या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द यानी कि ऊपर के तीनों के लिए यूज किया जाता है तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज यूज फॉर तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवब यानी कि वाटर हीटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन के भी यूज़ किया जाता है और ड्राइंग के लिए भी जो है सोलर एनर्जी डायरेक्ट सोलर एनर्जी यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है द फॉलोइंग इज इन डायरेक्ट मैथड ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन यानी कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हैं वो कोई उसमें से कोई या तो सभी इनडायरेक्ट मैथड है सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन के ए है विंड एनर्जी बी है बायोमास एनर्जी सी ऑप्शन है वेव एनर्जी और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एवब यानी कि तीनों तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑल ऑफ द एवब ऑबली बात है कि विंड एनर्जी बायोमास एनर्जी और वेव एनर्जी ये इंडायरेक्ट मेथड ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है द आवर एंगल इज इक्वलेंट टू तो जो आवर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है ऑप्शन ए टेन डिग्री पर आवर ऑप्शन बी फिफ्टीन डिग्री पर आवर ऑप्शन सी ट्वेंटी डिग्री पर आवर या ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव डिग्री पर आवर तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि आवर एंगल जो इक्वेलेंट होता है ऑप्शन बी फिफ्टीन डिग्री पर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द फॉलोइंग इज या और लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन रेडिएशन यानी कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हैं वो या तो उनमें से कोई एक जो है लॉ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का या फिर एक से ज़्यादा जो है वो लॉ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के तो ऑप्शन ए है प्लैंक्स लॉ या ऑप्शन बी है स्टेफन बोल्ड्समैन लॉ ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी यानी कि जो ऊपर के एप यानी कि प्लैंक लॉ और स्टेफन बोल्ड्समैन लॉ दोनों ही जो है लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द यानी कि ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन

मीटर से तो ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस ले आएंगे यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू